हाय गाइस, वेरी वेरी वेलकम बैक टू आवर चैनल। गाइस, कैसे हो आप सब? आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ स्किन वाइटनिंग फार्मूला। इससे पहले ही मैंने एक वीडियो बनाया था ब्लीच एक्टिवेटर का। उस वीडियो में मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि आप कोई स्किन वाइटनिंग फार्मूला हमारे लिए लेकर आइए, जिससे हम गोरे हो सकें। सो या गाइस, आज मैं आप लोगों से शेयर करूँगी आज का ये एक रेमेडी। ये 100% वर्क करती है। कोई भी DIY हो, उसके आप कंटिन्यूसली यूज़ करोगे तो उसका रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिलेगा। क्योंकि एक या दो बार के यूज़ से हम कुछ भी ना आइडिया नहीं लगा सकते कि हमारी स्किन पे वर्क कर रहा है या नहीं। लेकिन ये जो है, ये आपकी स्किन को ब्राइटन अप करने में हेल्प करेगा। आप अपने फेस पे भी लगा सकते हो, हैंड्स पे, लेग्स पे, मैनिक्योर पेडिक्योर कर सकते हो इससे। अगर आप अपने फेस पे यूज़ करना चाहते हो तो आप फेस पर भी यूज़ कर सकते हो। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है कि आप अपने फेस पर इसको यूज़ नहीं कर सकते हो। सेकेंडली, मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं कर रही हूँ कि अगर आप काले हैं, आप गोरे हैं, मुझे इस चीज़ से ना कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। बट मैं फिर भी यहाँ पे आप लोगों को कह रही हूँ कि मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो आके बकवास करके जाते हैं कि आपको काले लोगों से फ़र्क पड़ता है, गोरे लोगों से फ़र्क पड़ता है, तो नहीं पड़ता है। सो ये जस्ट मुझे पूछा गया था, तो पहले मैंने ट्राई किया खुद पे, तो मुझे पता चला कि हाँ, ये वर्क करता है। सो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से शेयर कर देती हूँ इसको। सो आई होप गाइस कि आपको आज का वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, एंड एक लाइक ज़रूर करना वीडियो को, क्योंकि आपकी एक लाइक हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करती है। सो ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो बहुत सारे स्किन वाइटनिंग के फॉर्मूला क्या होते हैं, क्या आपको ये खरीद के लाना है, वो खरीद के लाना है, यार तब इसको यूज़ करना है, तब आपको पता चलेगा। नहीं, हमें कुछ ये खरीदना है, ना हमें वो खरीदना, कुछ भी खरीद के नहीं लाना है। सीधे आप अपने किचन में जाओ, आपको दोनों चीज़ें मिल जाएंगी, आपको कुछ भी ना खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। नॉट सो आप देख सकते हो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज हो जाएगी इसके बाद, इसको यूज़ करने के बाद। और मैंने अभी कुछ लगाया नहीं है, ड्राई ड्राई हो गया है। इसको बनाने के लिए आपको चाहिए क्या, आपका पहला इंग्रेडिएंट है वो है मिल्क। ठीक है, ये मिल्क जो है ये रॉ मिल्क है, एंड प्लस ये कोल्ड मिल्क है, यानी कि कच्चा दूध आपको ठंडा करके लेना है। नॉर्मल ठंडा है, ये ज़्यादा नहीं है। बट आप अगर गर्म दूध आप यूज़ नहीं कर सकते हो, फ्रिज से ही आपको दूध लेना होगा, और वो भी रॉ मिल्क। तो ये है हमारा मिल्क। इसका जो सेकेंड इंग्रेडिएंट है वो है सेंधा नमक, जो कि आप लोग व्रत में खाते हो, एंड ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है हमारी स्किन के लिए भी। एंड यहाँ पे आप कोई नॉर्मल सॉल्ट यूज़ नहीं कर सकते हो, क्योंकि बिकॉज रॉक सॉल्ट में जो, यानी कि सेंधा नमक में जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो स्किन वाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो कि आपको नॉर्मल सॉल्ट में नहीं मिलेंगी। तो आपको यूज़ क्या करना है, ये वाला सॉल्ट, रॉक सॉल्ट यानी कि। तो इसको हम लेंगे। अब हम इसको कितना लेंगे ये भी आपको देखना होगा पूरी वीडियो को, क्योंकि आप स्किप नहीं कर सकते। अब आप स्किप कर दोगे तो आपको कुछ आधी चीज़ें पता चलेंगी, आधी चीज़ें पता ही नहीं चलेंगी। इसको हम 1 स्पून लेंगे। तो ये 1 स्पून सॉल्ट है, हम इसको पूरा मिक्स करेंगे इसमें, एंड देन इसको मिक्स करना है। खाने की चीज़ नहीं है ये। सो आपको इसको मिक्स करना है, एंड ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। थोड़ा लिक्विड फॉर्म में आएगा ये, बट काफ़ी अच्छे से वर्क करेगा ये आपकी स्किन के ऊपर। तो चलिए अब इसको ट्राई करते हैं। अगर आपको इसमें थोड़ी सी ना रॉ मिल्क की फ्रेगरेंस आती है, तो आप इसमें कोई भी एसेंशियल ऑयल डाल सकते हैं। बस 1 to 2 drops, ओनली 2 drops मेरे पास हैं, बट मुझे लगता नहीं कि मुझे इसमें इसको यूज़ करने के लिए इसकी नीड पड़ेगी। तो आपको एक बाउल ले लेना, क्योंकि हम घर को गंदा नहीं कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपको इसको यूज़ कैसे करना है। जब भी आप इसको, सबसे अच्छा यूज़ करने का तरीका है, आप जब भी नहाने जाते हो तब आपको इसको यूज़ करना है। इसको यूज़ करने के बाद आप कोई भी शावर जेल, सोप यूज़ नहीं कर सकते हो। अगर आप वो यूज़ करोगे तो आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। तो अभी गर्मियाँ चल रही हैं, आप 2 बार तो नहाते ही होगे, जरूर कंपलसरी है यार ये तो। तो आप क्या करना है, आपको इसको यूज़ करने के बाद आपको शावर जेल, सोप यूज़ नहीं करना है, आपको डायरेक्टली यूज़ करना है, पानी डालना है, वापस निकल के आ जाना है बाथरूम में से। जितना आपने लिया है सारा हम इस कंटेनर में डाल देंगे, एंड देन इसमें से आपको लेना है और कुछ इस तरीके से इसको रब करना है। ठीक है, इस तरीके से आपको रब कंटिन्यूसली करना है। आपको रिजल्ट में, आपको इसके बाद में दिखाऊंगी
क्या रिजल्ट आया है, कुछ इस तरीके से आपको ये रब करना है एंड 2 to 5 मिनट्स आपको ऐसा करना है, क्योंकि काफ़ी अच्छे स्क्रब बन जाता है ये एंड आपको लिक्विड फॉर्म में आपको ये मिलता है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने सॉल्ट लिया है या नहीं लिया है, क्योंकि सॉल्ट डिजॉल्व हो जाता है इसमें एंड थोड़े थोड़े पार्टिकल्स रह जाते हैं सॉल्ट के, आपको पता ही है। इस तरीके से ना ये इस तरीके से अच्छे से आपको ये मतलब मसाज करनी है मिल्क, अगर आप मिल्क को गौर से देखोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि मिल्क जो है वो ब्लैक हो गया है, इस तरीके से आपको इसको अच्छे तरीके से यूज़ करना आप देख सकते हो, ठीक है। अब आपको करना क्या है, ये आपने लिया अपना हाथ और इसमें अच्छे से डिप किया कुछ इस तरीके से, अगर आपने लेग्स को कर रहे हो तो आपको पहले उसको डिप करना है एंड देन आपको उसको मसाज कर देनी है अच्छे से, आपको मसाज करना कंजूसी नहीं करनी है कुछ इस तरीके से, आपको ये जो आपकी ये टिप होती है ना, ये वाली टिप, इसको यूज़ करके आपको कुछ इस तरीके से आपको रगड़ना है। एंड मैंने ये थोड़ा सा ही बनाया था, अगर आप को मैनिक्योर भी करना है पेडिक्योर भी करना है फेस पे भी यूज़ करना है तो आप थोड़ा ज़्यादा बनाइए, क्योंकि मैंने जितना बनाया वो आई थिंक वो ख़त्म होने को आ गया, दिखाती हूँ, देखिए बस थोड़ा सा ही मैंने बनाया था इसलिए, ये देखिए इसको हम डिप करेंगे कुछ इस तरीके से अपने हैंड को, एंड गाइस आपको ना अच्छे तरीके से मतलब डेली यूज़ करना है और आपको ना अच्छे तरीके से अपने रगड़ना है, क्योंकि ये इसको यूज़ करने का ना आपकी स्किन हेल्दी हो जाएगी और काफ़ी ज़्यादा ग्लोइंग भी करेगी। अभी हमने इसको यूज़ किया है, हम 2 to 4 मिनट्स रखेंगे इसको ऐसे ही, थोड़ा सा मतलब ज़्यादा नहीं बट थोड़ा सा ड्राई होने देंगे, अगर आपको ड्राई आपको लग रहा है कि ज़्यादा सूख रहा है ये, क्योंकि सूखने आती थोड़ा सा चिप चिप वाली फॉर्म में आ जाएगा ये, तो आपको करना क्या है, आपको हैंड टू हैंड इसको वॉश करना है, आप वेट नहीं कर सकते हो 2 to 4 मिनट से पहले से होता है तो 2 मिनट तो एटलीस्ट लुक ही लेते हैं हम, उसके बाद इसको वॉश करेंगे और फिर इसका रिजल्ट दिखाती हूँ मैं आपको। एक बात होया, मैं गोरे होने के लिए बिल्कुल ही प्रमोट नहीं कर रही हूँ कि हम गोरे हैं तो हमें ये करना चाहिए, हम वो करना चाहिए, तो नथिंग यार, जैसे भगवान ने दिया वो सब कुछ अच्छा है। यूज़ करने के बाद आपकी स्किन मॉइस्चराइज हो जाती है एंड आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, इसके बाद अपने निकालना है, पानी से वॉश करना है, दैट्स इट। तो अभी मैं इसको वॉश करती हूँ, मतलब जो मिल्क है आप देख सकते हो कि थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ना ब्लैक हो गया, मतलब गंदा हो गया है। सो मैं इसको फॉलो करती रहती हूँ तो मेरी स्किन पर से इतना डर्ट निकला नहीं, बट अगर आप कंटिन्यूसली इसको यूज़ करते हो तो आपकी स्किन से भी कम डर्ट निकलेगा एंड स्किन ग्लोइंग हो जाएगी। तभी इसको वॉश करती हूँ मैं एंड देन आपको इसका रिजल्ट दिखाती हूँ। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है, स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है, सीरियसली आप डेफिनेटली एक बार ट्राई करना और कमेंट में जाके मुझे बताना। सो आप देख सकते हो ये मैंने अपने वॉश कर लिए हैंड्स को, अभी मैं इसको टॉवल से सोक करती हूँ। मैंने अपने हैंड्स को अच्छे से सोक किया है और अब आप रिजल्ट देख सकते हो, ये ज़्यादा मतलब ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया, आप देख सकते हो, ये देखिए आप कितनी ज़्यादा तो ये सॉफ्ट हो गया, ग्लोइंग आप देख सकते हो कितना ज़्यादा ग्लो आ रहा है। अभी आपको करना क्या है, ये आपको थोड़ा सा मॉइस्चराइजिंग लगेगा बिकॉज जब तक हैंड्स दूध में थे पानी में थे तब तक आपके हैंड्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थे एंड लेकिन अभी इसमें से सॉफ्टनेस जा रही, तो हमें करना क्या है नहीं पता है ना, आपको मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है, मॉइस्चराइज़र स्किप नहीं करना है, बॉडी लोशन आपको लगाना ही है। सो बस अब बॉडी लोशन लगा लेते हैं एंड ये आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते क्योंकि सारा का सारा नेचुरल मॉइस्चर हमारी स्किन पे आया है वो चला जाए अगर आप बॉडी लोशन यूज़ नहीं करते हो तो, अगर आप बॉडी लोशन यूज़ नहीं करते हो तो करना शुरू कर दो, लिंक डिस्क्रिप्शन में।
बॉक्स में है बॉडी लोशन का जो मैं ट्राई करती हूँ, उनमें से सारे के सारे बॉडी लोशन में से आप कोई सा बॉडी लोशन यूज़ कर सकते हो अभी तक जो मैंने यूज़ किया है उनमें से, ठीक है। सो अब मैंने मॉइस्चराइजर लगा लिया है बॉडी लोशन हमने। सो अभी आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है, ग्लोइंग लग रही है। कंटिन्यूसली अगर आप इसको फॉलो करते हो तो आपकी स्किन से डर्ट नहीं निकलेगी, और अगर आप चाहते हो कि आप अच्छे दिखो, आपकी स्किन हेल्दी रहे, आप गोरे रहो, गोरे होना ये मैं बिल्कुल प्रमोट नहीं करूँगी, मैं चाहती हूँ आप लोग स्किन हेल्दी रहे मेरी तरह, तो आपको करना क्या है, कुछ ट्राई करते रहो, डेफिनेटली आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, आपकी स्किन ग्लोइंग भी होगी, हेल्दी भी रहेगी, और थोड़ी सी ना वाइटनिंग भी होगी स्किन। बस आपको कंटिन्यूसली दिन में एक बार आपको ये ज़रूर करना है गाइस, अगर आप स्किप कर देते तो आपको रिजल्ट जो है ना वो अच्छा नहीं आएगा। तो आपको इसमें कुछ भी खर्च नहीं करना है, सारी चीज़ें हमारे घर पे अवेलेबल होती हैं। अगर आप और ऐसा कोई वीडियो देखना चाहते हो तो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसे ही कौन नए और हेल्पफुल वीडियो के साथ मैं आपसे मिलूँगी मेरे नए वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू, बाय।